दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन गुप्ता कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट बोल रहा हूँ। क्या आपको मालूम है बच्चों में भी डायबिटीज़ होती है? जो बच्चों में डायबिटीज़ होती है उसको हम लोग टाइप 1 डायबिटीज़ या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं। अभी मेरे पास कुछ बच्चे हैं जिनकी उम्र सिर्फ 1.5 से 2 साल है। अधिकतर बच्चों की उम्र 10 से 15 साल रहती है और दुर्भाग्य से इन बच्चों को शुरू से ही इंसुलिन इंजेक्शन के रूप में लेना पड़ता है। हाँ, ये जरूर है कि अब इंजेक्शन हम लोग सिरिंज से लेने के बदले पेन से दे रहे हैं, उससे दर्द भी नहीं होता है और बच्चों के लिए पहले से तो कम हो गया है, तकलीफ कम हो गई है, परंतु इनको बच्चों को इंसुलिन लेना बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। जिस तरह की खाना ज़रूरी है, जिस तरह की पानी पीना ज़रूरी है, इसलिए इन बच्चों के लिए इंसुलिन लेना ज़रूरी है। इंसुलिन लेना इतना सरल नहीं है। इंसुलिन लेने के साथ में ये भी जरूरी होता है कि इंसुलिन की मात्रा कितनी लेनी है, शुगर कैसी चल रही है, क्या मेरे को शुगर मेरी 5 यूनिट पे कंट्रोल आ रही है, 6 में आ रही है, 10 यूनिट में आ रही है। इस तरह बच्चों को एक लगातार निगरानी रखना पड़ता है और वो हम लोग निगरानी करते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि वो एक ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल करें जो बहुत सरल होता है, जिसमें बहुत कम दर्द होता है और बच्चे इससे अपनी शुगर की निगरानी रखते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को प्रॉपर डोज देना चाहिए इंसुलिन का और उसकी प्रॉपर निगरानी रखना चाहिए। और दोस्तों, इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक हमारे बहुत बड़े क्रिकेट प्लेयर थे, आपको शायद मालूम होगा, वसीम अकरम साहब, वो इंसुलिन लगा के भी क्रिकेट खेलते थे और इतने बड़े विश्व के मशहूर खिलाड़ी बने थे। ऐसे बहुत सारे हमारे हीरो हीरोइन हैं, बहुत से लोग हैं जो लॉन टेनिस खेलते हैं, अच्छा गेम्स खेल रहे हैं और उन लोगों को डायबिटीज़ है। तो बच्चे को डायबिटीज़ होने से निराश ना होए, उसका उसको प्रमोट उसको मोटिवेट करें, उसको सहारा दें, उसको उत्साहित करें कि बेटा चिंता मत कर। अरे 10 सेकंड तो दर्द लगना है सिर्फ इंसुलिन का, सिर्फ 10 सेकंड का दर्द, और वो भी अगर आप उसकी निगरानी रखें तो बच्चा पूर्ण जीवन जी सकता है। आपको शायद मालूम है कि एक लियोनोर थॉमसन, जिनको पहली बार इंसुलिन लगा था, वो 82 साल की उम्र जी के उनकी डेथ हुई। वो बच्चे जिनको पहला इंजेक्शन लगा था इंसुलिन का। तो हम अगर अपने बच्चे का ध्यान रखेंगे, और फिर यहाँ परिवार की बात होती है, अगर हम परिवार पूरा बच्चे को सपोर्ट करेंगे, अगर मेरे बच्चे को मिठाई नहीं खाना है तो मैं क्यों मिठाई खाऊं, अगर बच्चे को घूमने जाना है तो उसे मैं लेके जाऊं, बच्चे को गेम खेलना है, बच्चे को कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना है तो मैं उसे कराऊंगा, मैं बच्चे का सपोर्ट करूंगा, मैं बच्चे का ध्यान रखूंगा, मैं ध्यान रखूंगा कि कहीं बच्चे की शक्कर कम तो नहीं हो रही है। एग्जाम टाइम में हो सकता है बच्चा कई बार तनाव के समय में प्रॉपर इंसुलिन ना ले पाए, अपना ध्यान ना दे पाए, उस समय मैं उसकी पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा। अगर एक परिवार ऐसे बच्चे को जिसको डायबिटीज से सपोर्ट करता है तो बच्चा एक पूर्ण और सुखी जीवन जी सकता है, वो बड़ा आदमी बन सकता है, वो डॉक्टर बन सकता है, वो अभिनेता बन सकता है, नेता बन सकता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। तो आप डरे नहीं और अपने टाइप 1 बच्चे को प्रमोट करें। और एक जाते जाते एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, ऐसे हम लोग कई बच्चों को देख रहे हैं जिनको कुछ लोग गुमराह करते हैं कि ये इंसुलिन बंद कर दो और ये कुछ भी अल्टरनेटिव मेडिसिन ले लें, समझ गए ना आप, और इस तरह के मेडिसिन से कई बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। प्लीज 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 अपने बच्चे को उचित और प्रमाणिक इलाज दें और उचित डॉक्टर से इलाज करें उसका, और उसको एक पूर्ण एवं सुखी जीवन दें।